नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वाव चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल कहा ही था, बताया था कि 16934 के ऊपर आपने 16900 की कॉल बाय करनी है और टारगेट हमारा 17000 रहेगा। और अगर 17000 क्रॉस हो गया तो एक ही कैंडल में 17145 मिलेगा। तो वही हुआ, 17000 के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मार्केट भाग पड़ी और ऐसी भागी कि सीधा 17145 मिला और काफ़ी बड़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर आ गई 17145, जो काफ़ी अचंभे की बात थी। असल में इसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो एस्टिमेटेड जीडीपी जो आई थी, उससे ये क्लियर हो गया था कि इंडिया की जीडीपी काफ़ी अच्छी आएगी। वो कितनी आई थी एस्टिमेटेड जीडीपी, जो अलग अलग चैनलों ने दी थी, सीएनबीसी आवाज़ या जी बिजनेस ने या और जो न्यूज़ चैनल है, वो बता रहे थे कि एस्टिमेटेड जीडीपी जो आई है, आ रही है, वो 19 से 20% आने वाली है। 19-20% जीडीपी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस जजमेंट से, उस एस्टिमेटेड जीडीपी के बेस पे ही मार्केट दौड़ी और वही हुआ। हालांकि मार्केट ने शाम की वेट नहीं की, क्योंकि ये सारे डाटे 3:30 बजे के बाद आने हैं, तो इसलिए उन्होंने शाम की वेट नहीं की। पहले ही मार्केट काफ़ी ऊपर चलेगी, क्योंकि मार्केट पहले से एज्यूम करके चलती है जो चीज़ होने वाली है। और पिछली बार जो Q1 के GDP आंकड़े थे, वो लगभग -20 थे और इस बार +20, मतलब 40% GDP में गेन हुआ है पिछली तिमाही से इस तिमाही में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा GDP में गेन आना। तो यही कारण है कि काफ़ी मार्केट ने अच्छे तरीके से स्वागत किया इसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने कहा था जैसे कि 36315 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बनी है, तो ये ब्रेकआउट देगी और 36544 लगाएगी, 36544, एग्जैक्टली 36544 ही मार्केट ने लगाया। और इस तरह से हमें इसमें भी 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो जो निफ्टी बाबा चैनल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम रोज़ बताते हैं कि एक दिन पहले ही उन्हें पता होता है कि कल क्या होना है और कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम कमेंट्री देते हैं वो काफ़ी अच्छा आपका ज्ञान बढ़ाती है, आपको पता चलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टॉक्स पर आते हैं। कल हमने 3 स्टॉक दिए थे। पहला जो था वो था IEX, 487 पे हमने बाय किया और 500 टारगेट मिला। हालांकि ये उससे ऊपर गया, तो फिर भी हम 500 ही काउंट करेंगे, तो 13 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। डीवी स्लैब, इसमें भी 5115 पे से बाय किया और ये हाई इसने जो लगाया 5210 लगाया, हालांकि हमारा टारगेट तो इससे भी दूर था। और जिसने नहीं भी बुक किया, अभी भी 5171 पे है, तो 50-60 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ। जुबिलेंट फूड जो तीसरा स्टॉक था, उसको हमने 3894 पे बाय किया और एग्जैक्टली टारगेट के पास 4028 के पास इसने ये क्लोजिंग दी आज की। तो इस तरह से इसमें भी हमें लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इसलिए इस तरह से इन तीनों पॉइंट स्टॉक से हमें अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 3 स्टॉक से। अब हम आते हैं कल के लिए 3 स्टॉक्स कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले डेली चार्ट पर अगर देखें, तो सबसे पहला स्टॉक हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है सिप्ला। अब सिप्ला का जो 50 डेमा था वो था 938 और सिप्ला क्लोजिंग दी है 949 पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज सुबह सुबह भी इसने जो 100 डेमा था इसका, वो था 930, तो वहाँ से जो उठा उसके बाद ये था कि ये 950 डेमा पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, पर इसने प्रॉफिट बुक नहीं हुआ इस यहाँ पे सिप्ला में, तो ये सीधा ही निकल गया 949 की ओर। तो कल अगर 950 के ऊपर मिले तो बाय कीजिए, अगर 935 पे मिले तब भी बाय कीजिए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं लेवल देता हूँ, उस किसी भी लेवल पर आप बाय कर सकते हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस वाले लेवल को छोड़ के। जैसे मैंने कौन कौन से लेवल लगाए हैं, 927, 935, 949, 965, 972, और एक अगर यहाँ मिले 965 और 972, जहाँ मैं रेड लाइन लगाता हूँ उसके आसपास बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि ये वो लेवल होता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अगर फिर बाय करना है 973 के ऊपर करना है, जैसे 972 मैंने रेड निशान लगाया, तो उसके ऊपर 973 के ऊपर बाय करना है, ऊपर टारगेट 93 और 1001 रहेंगे।
इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप 972 के ऊपर बाय करेंगे तो 965 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये चीज़ हर स्टॉक पे एप्लीकेबल होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। जो अब मैं तरीका बताया मैंने, ये चीज़ हर स्टॉक पे एप्लीकेबल होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट लगातार हाई पे हाई बना रहा है, तो इसीलिए हमने आज इसे लिया है। 417 तक कोई भी डिप आए बाय करना है, ऊपर 421 पे आप मिल जाए, चाहे 423 के ऊपर मिल जाए, टारगेट 427 और 436 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 413 का रहेगा। तीसरा जो स्टॉक है वो है आईसीआईसी बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे बढ़िया मोमेंटम जो शो कर रहा है वो है आईसीआईसी बैंक। आज काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ ये बढ़ा है, तो 706 तक कोई भी डिप आए बाय करना है या 790 के ऊपर बाय कीजिए, और टारगेट 730 रहेगा और स्टॉप लॉस 700 का हम रखेंगे। तो ये है तीन स्टॉक्स, आईसीआईसी बैंक, अंबुजा सीमेंट और सिप्ला। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी में देखिए, आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि जीडीपी आंकड़े आने हैं। अब देखिए आज सुबह सुबह क्या हुआ था, सुबह सुबह पहले मार्केट बैंक निफ्टी नीचे की ओर आई। क्यों आई? क्योंकि जीडीपी डाटा का प्रेशर था। फिर जब एस्टिमेटेड डाटा आया कि इतनी आ सकती है जीडीपी, 19% 20%, तो उसके बाद वो भाग पड़ी बैंक निफ्टी। फिर उसने रुकी नहीं, सीधा 36544 लगाया उसने। तो अब आपने क्या करना है, अगर 36600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तब आपने बैंक निफ्टी की 36600 की कॉल बाय करनी है, 36500 की कॉल बाय करनी है। स्टॉप लॉस आपने 36497 36497 का रखना है। ऊपर जो टारगेट मिलेंगे वो 36762 37109 और 37180 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जैसे ही 36762 आए तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, और फिर 36800 के ऊपर आने पर ही आपने दोबारा 36700 की कॉल बाय करनी है, और फिर स्टॉप लॉस आपने 36600 का लगाना है या 36500 का ही लगा लीजिए फिर भी। पर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं, अगर 36 एक बार 36800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए तो अगर आप कोई चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी को बाय कर सकता है, और फिर ऊपर के टारगेट जो मिल सकते हैं वो 37900 के लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड बताइए मैंने, इंट्राडे ट्रेड यही है कि 36500 36600 के ऊपर आने पर ही 36500 की कॉल लीजिए, स्टॉप लॉस 36497 36497 का रखिए, और टारगेट 36617 36862, फिर उसके बाद 36862 के बाद 36800 के ऊपर आने पर ही आपने बैंक निफ्टी की, इंट्राडे वालों ने भी तभी कॉल लेनी है। और जो इंट्राडे वाले हैं वो चाहे तो 36600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो चाहे तो 36500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट वहीं रहेंगे 37180 और उसके बाद 37715 37715 और 37909। तो ये है बैंक निफ्टी। अच्छा हाँ, पुट जो रहेगी, पुट आपने जो बाय करनी है वो तो तभी बाय करनी है अगर 35800 के नीचे जाए। अगर 35800 के नीचे बैंक निफ्टी जाए तभी आपने पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस 36000 का रहेगा, और टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 35600 और फिर 35450 का। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। तो अब हम आते हैं निफ्टी की ओर। इंडिया विक्स अब बढ़ी है काफ़ी, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पे चली गई थी 1455.52, तो ये नेचुरल होते हैं, घबराहट सी हो जाती है कि इतने हाई लेवल पे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें कहाँ करें। तो ये वोल्टेलिटी उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा चैनल नहीं देखा, तो मैं कुछ मजाक की बात कर रहा हूँ। तो वैसे जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उन्हें तो पता था कि अब ये 17145 लगाएगी, तो वो 17145 उसने लगा दिया। घबराहट तो तभी हो रही है, 14.52 वोल्टेलिटी का होना ये यही बताता है कि ये नहीं पता होता कि अब टारगेट क्या है। तो खैर, हम तो पहले ही आपको बता देते हैं टारगेट क्या है। पुट कॉल रेशियो 1.56 जो काफ़ी बढ़ गई है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। जैसे ही 1.65 पे है तो निकलिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट को अगर कोई गिराएगा तो ये पुट कॉल रेशियो ही गिराएगी, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पुट वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉल वाले डर के भाग रहे हैं, और कॉल राइटर की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो आ जाए, इसीलिए पुट कॉल रेशियो इनबैलेंस्ड हो रही है। और ऑप्शन चेन देखिए, अब ऑप्शन चेन में देखिए
कॉल राइटर का सबसे पहले हाल कि कॉल राइटर अब 17,100 वाला भी एकदम अचानक से ट्रैप्ड हो गया मार्केट के क्लोजिंग के टाइम। तो अब जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर ऐड हुआ है उसके बाद वो हुआ है जाकर 17,300 पर, मतलब कॉल राइटर इतना डरा है कि 200 पॉइंट ऊपर दूर गया है। और उससे कम अगर कहीं ऐड हुआ है तो वो हुआ 17,400 पर, मतलब 17,300 17,400 ऑप्शन चेन ये सोच रही है मार्केट कि 17,300 17,400 अब निफ्टी चले जाएगी इस थर्सडे तक। और अगर टोटल कॉल राइटर देखें तो सबसे ज़्यादा 17,100 पर ही था और जो कि ट्रैप्ड हो चुका है। तो बाकी मैं चार्ट पे समझाऊंगा कि इस जो ये जो कॉल राइटर है अब क्या कमाल कर सकता है, क्या हो सकता है वो भी समझाता हूँ। नीचे जो पुट राइटर है देखिए बड़ी स्ट्रांगली 17,000 पर आ चुका है, सबसे ज़्यादा पुट राइटर अब 17,000 पे, जो कि पहले 16,800 पर था, अब 17,000 एक निफ्टी का बेस बन चुका है। ये याद रखिए कि ये 17,000 टूटने वाला नहीं है थर्सडे तक, ये ऐसा दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि 46 लाख कॉल राइटर एक ही दिन में 17,000 पे ऐड हुए हैं और 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। उसके बाद अगर कहीं एडिशन सबसे ज़्यादा पुट राइटर की हुई है तो वो 17,100 पर हुई है। तो यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब 17,100 के ऊपर ही खुलेगी कल, तो इसलिए 17,100 भी एक अच्छी सपोर्ट बन रही है धीरे धीरे। और अभी मैं समझाता हूँ चार्ट पे कि ये सपोर्ट कैसे मजबूत होगी। तो अब हम आते हैं चार्ट पे। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया 17,145 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, तो यही कारण है कि अभी कॉल राइटर 17,100 पर बैठा है, वो देख रहा है कि 17,145 17,150 के ऊपर निफ्टी जाती है या नहीं। अगर कल 17,150 के ऊपर मार्केट खुल गई, निफ्टी खुल गई, तो ये 17,100 का कॉल राइटर काफ़ी डीमोरलाइज हो जाएगा और 17,100 पर पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और फिर जो होगा फिर वही होगा जो मैंने कल बता दिया था कि 17,145 पर भागेगी बड़ी तेज़ी से, और फिर ऐसे ही होगा। अगर 17,150 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन होगी तो उसके बाद मार्केट सीधा 17,240 17,250 और 17,300 तक भाग सकती है। जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 17,186 17,186 17,250 और 17,300। बाकी मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से मैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी इसके लेवल दूंगा, क्योंकि ये लेवल अभी पहले आए नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है, ये जस्ट अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक पैटर्न निकाले गए हैं। तो फिर भी मैं कल आपको एक बार फिर से अपडेट करूंगा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कि अब टारगेट कौन से होने चाहिए। अभी फिलहाल यही है 17,186, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, फिर 17,250 और 17,300, मतलब मार्केट में एक फिर से रैली आ जाएगी अगर 17,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी। और अगर 17,145 के नीचे चलेगी खुली मार्केट तो, या नीचे चलेगी 17,100 के नीचे, तो 17,100 का कॉल राइटर एक्टिव हो जाएगा। और कल वेंसडे है तो बुधवार और वीरवार ये 2 दिन हाई वोलेटाइल डे होते हैं हमेशा, क्योंकि एक्सपायरी माइनस वन डे एक्सपायरी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इस चीज़ का आपने ध्यान। अगर 17,100 को इसने तोड़ दिया और नीचे की ओर मार्केट आई तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइलिटी बढ़ जाएगी। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जो सिंपल ट्रेडर हैं वो ट्रेड ना करें, और जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं फिर ही ट्रेड करें। और सिंपल ट्रेडर के लिए यही है, अगर 17,150 के ऊपर एक तो कॉल बाय करनी है, दूसरी 16,933 के आसपास कॉल बाय करनी है। ये सिंपल ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ कि आपने कॉल कहाँ कहाँ बाय करनी है, एक तो 16,933 के पास 16,900 की कॉल, स्टॉप लॉस 16,919 का, ऊपर 17,150 के ऊपर स्टॉप लॉस 17,100 का 17,100 का, और टारगेट आपको पता ही है, अगर 16,933 पर लेंगे तो 16,950 17,100 17,145 रहेंगे। और 17,145 के ऊपर बता दिया मैंने, नीचे की ओर अगर पुट कहाँ बाय करनी है तो पुट जो बाय करनी बनती है वो बनती है देखिए 16,800 16,900 सब जगह पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा है, तो पुट तो इसलिए ये सब रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए नीचे मार्केट जाने की कोई चांस नहीं है। फिर भी कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं पुट में, तो हमें पुट ज़रूर बताया गया कहाँ पर बन सकती है। तो पुट जो बनेगी वो बनेगी 16,762 के नीचे, जैसे ही 16,800 हाँ 16,800 टूट जाए तो आप पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट 16,762 और 16,732 का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही रहेगा।
थोड़े से 70-80 पॉइंट ही मिलेंगे पुट वालों को अगर बाय चांस मार्केट नीचे आए तो। वैसे तो मार्केट आने को कोई नीचे के चांस नहीं है, कोई जहां पर भी डिप मिलेगा बाइंग ही आएगी। जैसे 16,933 पे अगर मार्केट आई तो बाइंग ही आएगी, अगर 16,810 पर आई फिर भी बाइंग आएगी, 16,810 पर भी 16,800 की कॉल बाय करनी चाहिए। तो ये है निफ्टी का ट्रेड सेटअप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।